अप्रैल को एसटीएससी एक्ट में संशोधन के खिलाफ भारत बंद के बाद उपजे विवाद के हालातों के बाद 10 तारीख को सवर्ण और ओबीसी जातियों द्वारा भारत बंद की बात सोशल साइट्स के जरिए कही जा रही थी और बाड़मेर में इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से परेशानी में था, सतर्क भी था। और चूंकि बाड़मेर में 2 तारीख के बाद लगातार धारा 144 निषेधाज्ञा लगाई गई जा चुकी है और यहां तक ये माना जा रहा है कि आगामी जो 14 अप्रैल है तब तक ये यहां पर निषेधाज्ञा जारी रहेगी। बाड़मेर में आज बंद की जो बातें थी वो SP जो बाड़मेर है, कलेक्टर बाड़मेर, इन्होंने 2 दिन पहले ही पूरी तरीके से इसके ऊपर विराम लगा दिया था और कह दिया था कि ये सारी की सारी अफवाह है, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी व्यापारिक संगठन, कोई भी सामाजिक संगठन यहाँ पर सामने नहीं आया जो ये कह पाए कि वो भारत बंद का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तो बाड़मेर शहर में हम मुख्य बाजार में अभी मौजूद हैं। सुबह से पुलिस पूरे जो इलाका है वहाँ पर तैनात है, साथ में सीमा सुरक्षा बल जो है वो 2 तारीख से, जब से धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है, तब से यहाँ पर हर चौराहे पर तैनात है। बंदूकधारी जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है और पूरे जो हालात हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए। बाड़मेर में सामान्य जनजीवन यहाँ पर संचालित है। बाड़मेर बंद का जो बात सोशल साइट पर भारत बंद के साथ जो की जा रही थी वो यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रही है और पुलिस का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत बंद करने में अगर किसी ने भी कहीं पर भी कोई भी जोर जबरदस्ती की तो उनके साथ वही कार्रवाई की जाएगी जो 2 तारीख को जबरन बंद कराने वालों के साथ की गई थी। तो यहाँ पर बाड़मेर बंद पूरी तरीके से विफल रहा है और यह अफवाह के रूप में सामने आया है। अब जिला प्रशासन चैन की सांस ली है कि 2 तारीख जैसी घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर वापस नहीं हुई हो। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।